हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज के वीडियो में हम एक और गजब की ट्रिक बताने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक झटके में आप इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लोगे। तो चलिए आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, मजबूर हो जाओगे, सब्सक्राइब अपने आप होगा। आपके सामने दिया हुआ है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हूज सेंटर इज एट 3,4 एंड रेडियस 2। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र 3,4 पर है और रेडियस 2 है। स्टूडेंट क्या करता है, जरा हम ये भी बता दे। स्टूडेंट क्या करता है, H, K सेंटर है 3,4 और रेडियस है आपका 2। तो इक्वेशन निकालने के लिए स्टूडेंट लगाता है X - H का होल स्क्वायर प्लस Y - K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R2। लेकिन आज के बाद आपको ये नहीं लगाना है, आपको केवल क्वेश्चन देखते ही आपको ऑप्शन पर टिक लगाना है। देखिए कैसे, देखो बेटा ध्यान रखना है। और इसके बाद दो क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप उनका भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। तो देखिए यहां पर इक्वेशन ऑफ सर्कल बोल रहा है जिसका केंद्र इस बिंदु पर है और उसकी रेडियस, तो ये नहीं लगाना है। तो सर क्या करें, देखो इधर, हमेशा किसी भी सर्कल इक्वेशन में दो लेटर हमेशा आएंगे, एक एक्स स्क्वायर का और एक वाई स्क्वायर का। उसके बाद आपको क्या करना है, जो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट है, ध्यान देना केंद्र का एक्स निर्देशांक, उसमें माइनस का 2 मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस का 6x लिख दिया करो। एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट में -2 का मल्टीप्लाई करो, वाई मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें -2 मल्टीप्लाई करोगे, -8y, देख लो। और अब हमारा बचता है कांस्टेंट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बचता है हमारा कांस्टेंट, तो दोनों के स्क्वायर का समीशन पहले कर दीजिए, यानी 16 और 9 25। अब 25 बन गया हमारा, उसके बाद इसके स्क्वायर को माइनस करना, यानी 25 - 4 वो हमारा कांस्टेंट टर्म होगा। लीजिए आपका आंसर आ गया। एक और देख लेते हैं, कोई सर्कल है जिसका सेंटर 1,2 है और रेडियस हमारी मान लीजिए 3,2 है और रेडियस हमारी 1 है। तो इक्वेशन क्या होगी, X² + Y² -2 का मल्टीप्लाई करोगे 6x, फिर दूसरे वाले -2 का मल्टीप्लाई -4y और दोनों के स्क्वायर का समेशन कर दिया, 9 और 4 13 जैसे बनेगा स्क्वायर को, मैं माइनस करेंगे +12 = 0। ये हमारा आंसर है।